जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चालू करेंगे अभ्यास 11 भी। तो दोस्तों इसमें कुछ फार्मूला है, हम लोगों का फार्मूला देख लेते हैं। हम लोग जब जनसंख्या बढ़ रही होती है तो क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का यहाँ प्लस होता है। जनसंख्या घट रही होती है यानी अवमूल्यन होता है तो क्या होता है, हम लोगों का यहाँ माइनस होता है। और ए पी तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये क्या है, मिश्रधन है। पी क्या है, हम लोगों का मूलधन है। आर दर है, यन क्या है, समय है। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि और अवमूल्यन में क्या होता है, हम लोगों का पी का मान प्रारंभिक मान लेते हैं और ए का मान क्या होता है दोस्तों, अंतिम मान, यानी जनसंख्या का अंतिम मान हम लोगों का ए है। तो आइए इसमें का पहला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम लोगों का एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को 1 लाख थी, यानी 1978 क्या 1978 से क्या हो रहा है, हम लोग का प्रारंभ हो रहा है। यानी पी का मान कितना है हम लोगों का, पी का मान है 1 लाख। पी का मान कितना है हम लोगों का, 1 लाख। अब देखिए दर कितना है हम लोगों का, आर का मान कितना है, तो 10% है, क्योंकि 10% वार्षिक है, वार्षिक हो। तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। समय कितना है दोस्तों हम लोगों का, 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तो मैच कर जा रहा है, लेकिन 1978 में कितना जोड़ेंगे कि 1981 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 3 जोड़ेंगे तो 1981 हो जाएगा। तो हम लोगों का यन बराबर क्या है दोस्तों, 3 वर्ष है। क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, तो ए ज्ञात करना है। ए माने क्या होता है हम लोगों का, अंतिम मान होता है। ए माने क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का अंतिम मान होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का वृद्धि हो रहा है, यानी 10% वार्षिक, यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर 10% वार्षिक हो तो वृद्धि हो रहा है दोस्तों। तो वृद्धि में क्या होता है, सूत्र हम लोगों का प्लस होता है, 1+r/ में क्या होता है दोस्तों, 100^n। देखिए हम लोगों का ये फार्मूला है, जनसंख्या बढ़ रही होती है तो क्या होता है, हम लोग का प्लस होता है। अगर जनसंख्या घट रही होती है तो क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर केवल माइनस हो जाता है, बाकी सब वही रहता है दोस्तों। ए माने क्या होता है, अंतिम मान, और पी माने क्या होता है, प्रारंभिक मान। तो आइए हम लोग इसमें मान पुट करते हैं। मान कितना है दोस्तों, ए का तो मान ज्ञात करना है, पी का मान कितना है हम लोगों का, 1 लाख, 50, 1+, आर का मान कितना है दोस्तों, 10/100, तो पावर कितना है दोस्तों, यन का मान कितना है, 3 है। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए बराबर हो जाएगा 1 लाख, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा हम लोगों का, 1+1/10, कितना ये पावर 3, क्या हम कर देंगे, 1 लाख * 10 10 * 1 = 10 है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 11/10 कितना हम लोगों का, 3। 3 घात माने क्या होता है दोस्तों, हम लोग का 3 आली गुड़ा, यानी क्या कर देंगे, 1 लाख * 11/10 कितना है दोस्तों, 3 है। तो क्या कर देंगे हम लोग, 11/10 3 बार क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, 11/10 * 11/10। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, 11 का 11 में गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 का 11 में करेंगे 121 होगा, 121 का 11 में करेंगे कितना होगा दोस्तों, हम लोग का 1331 होगा, 1331 का 1 में गुणा करेंगे तो दोस्तों 1331 से होगा। और ये 2 0 दोस्तों क्या लग करेंगे हम लोग, तो 2 0 है बचा है तो लास्ट में लगा देंगे, 1,33,100 जनसंख्या का हो गया दोस्तों हम लोगों का ये अंतिम मान होगा, यानी 31 दिसंबर 1981 को कितना जनसंख्या हुई दोस्तों हम लोग का। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 11B का दूसरा सवाल। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। एक गांव में जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ रही है। प्रतिवर्ष माने क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 5%, यानी ये किसका मान है हम लोगों का, आर का मान दिया है 5%। अब क्या है दोस्तों, यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो, ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि हम लोग का ए है कि ए का मान है कि पी का मान, तो इसे वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या कर रहा है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी टाइम दे दे रहा है कितना दोस्तों हम लोग का, 2 वर्ष, यन का मान कितना है, 2 वर्ष पूर्व उस गाँव की जनसंख्या कितनी थी। पूर्व कह रहे तो दोस्तों पहले, यानी पहले प्रारंभिक मान को पहले कहते हैं दोस्तों, यानी पी का मान ज्ञात करना है, यानी क्या है दोस्तों हम लोग का 4410 अब क्या है, ए का मान है, यानी अंतिम मान कितना है दोस्तों, 4410। अब क्या है दोस्तों हम लोग का, ये पहले सवाल में हम लोग पढ़ चुके हैं फार्मूला,
पी को प्रारंभिक मान कहते हैं और ए को अंतिम मान। जब दोस्तों पी और ए जान जाएंगे तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, हल कर लेंगे। और ये अवमूल्यन में माइनस होता है और बढ़ रहा है तो क्या होता है दोस्तों, प्लस। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, 5% बढ़ जाती है, तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए दोस्तों, प्लस वाला फार्मूला क्या होता है हम लोग का, ए बराबर पी 1 + r बटा में 100 पावर कितना दोस्तों, यन। ए का मान तो दिया है दोस्तों 4410 बराबर, पी का मान कितना दिया है दोस्तों, निकालना है नहीं दिया है, पी का मान प्रारंभिक मान निकालना है दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व कर रहा है, पूर्व माने प्रारंभिक, 1 + r का मान कितना है दोस्तों, 5 / 100, यन का मान कितना है दोस्तों, 2 वर्ष यानी 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4410 बराबर कितना दोस्तों हम लोगों का, पी इसे कटा देंगे दोस्तों, 5 गुना के कितना 10, यानी 1 0 बचेगा, 0 लिख देंगे। 20 से कम 20, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो दोस्तों 1 20 से कम 20 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21/20, 20 से कम 20 1 21 हो जाएगा दोस्तों, नीचे का वही लिखा जाता है कितना है, पावर 2। अब क्या कर देंगे दोस्तों, 4410 बराबर पी गुणते, कुछ भी का चिन्ह नहीं है दोस्तों, तो क्या रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, वर्ग माने क्या होता है, 2 हाली गुणा, 21 गुणते 21 और कितना दोस्तों, 20 गुणते 20। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 4410 को वैसा ही उतार देंगे और पी गुणते कितना दोस्तों, 21 के 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 441 और बटे में 20 का 20 में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 441 दोस्तों, यहाँ 0 बच रहा है, 0 लिख देंगे। यहाँ क्या बचा है दोस्तों, 10, ये पी बटा में कितना दोस्तों, 400 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसमें गुणा कर देंगे तो 4 1 = 4, 3 गुणा कर देंगे इसमें और कितना दोस्तों, 2 0 यहाँ है लास्ट में और 1 0 यहाँ, यानी लास्ट में कितना 0 लगा देंगे दोस्तों, 3 0 कुल मिलाकर, यानी पी का प्रारंभिक मान कितना है दोस्तों, यानी 4000। 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितना थी दोस्तों, तो 4000 थी, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, किसी क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र माने क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, कोई गांव है, किसी गांव में, अब क्या किसी क्षेत्र की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, 602/3, यानी आर का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 602/3%, तो इसे सही में कर देंगे दोस्तों, 3 6 18 18 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका इसमें गुणा होता है और ये धन जुट जाता है, तो 20/ कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 3%। अब क्या हो रहा है दोस्तों, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, यानी 1 वर्ष में इतना वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो, समय बराबर कितना दे रहा है दोस्तों, 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। अब देखिए दोस्तों, प्रारंभिक मान तो दे रहा है, यानी बाद में कह रहा है, बाद में अंतिम मान आएगा दोस्तों, अंतिम मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, अंतिम मान क्या कर रहा है पूछ रहा है दोस्तों, और पी प्रारंभिक मान कितना दे रहा है हम लोगों का कि 33,750, ये क्या है दोस्तों हम लोग का प्रारंभिक मान यानी वर्तमान दे रहा है, बाद में पूछता है तो बाद में अंतिम मान आता है दोस्तों, अंतिम मान यानी ये पूछ रहा है, पी का मान दिया है। अब क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, वृद्धि हो रही है तो फार्मूला क्या लगा देंगे दोस्तों हम लोग, प्लस वाला लगा देंगे, ए बराबर क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, पी 1 + r/100 कितना दोस्तों, यन, ये वृद्धि का होता है दोस्तों, अगर अवमूल्यन आता है तो बस यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस। अब देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, मान पुट करेंगे, पी का मान कितना है दोस्तों, 33,750, 1 + r का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 20/3, आर का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 20/3 और बटे में कितना दोस्तों, 100 पे पावर कितना दोस्तों, यन का मान कितना है, 3 है, इसे क्या करेंगे दोस्तों, सरल करेंगे, अब 33,750 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी में गुणा हो जाएगा, यानी 1 + कितना हो जाएगा दोस्तों, 20/300 पे पावर कितना दोस्तों हम लोगों का, 3। ये कैसे होता है दोस्तों, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ऊपर 2 है, 20/3 है, 20/3 में भाग देना है, बट्टा माने क्या होता है दोस्तों हम लोग का भाग होता है, इसे डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं, बट्टा माने क्या होता है दोस्तों, भाग होता है, 20/3 में भाग देना है 100 से, तो क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, पहला फंक्शन वैसा ही लिखते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं, तो दोस्तों क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख लेंगे दोस्तों, 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा,
अब गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 20 से कम है 20 और ये कितना जाएगा 300। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे दोस्तों, 33,750 10 से 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा और ये कटा देंगे, 2 कम 2 15 2 के 30, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 कम 15 15 1 16 16 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 15 16 बटा में 15 पे कितना घात दोस्तों, 3 घात। 3 घात का मतलब क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, 3 घात का मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का 3 बार गुणा, 33,750 गुणते 16 गुणते 16 गुणते 16 और नीचे कितना दोस्तों हम लोगों का 15 गुणते 15 गुणते 15। अब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि 33,750 गुणते 16 का ऊपर गुणा कर देंगे दोस्तों और नीचे 15 का 3 बार गुणा कर देंगे, 15 का 15 में गुणा कर देंगे दोस्तों, फिर 15 से करेंगे, फिर 16 का इसी तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए दोस्तों ऊपर का होगा हम लोगों का 16 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोगों का, 4,096 होगा, और 15 का 3 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा हम लोगों का, 3,375 होगा। अब क्या कर देंगे दोस्तों, 3,375 से 3,375 कटा देंगे, एक बार में कटेगा, यहाँ 0 है तो दोस्तों 0 लगाया जाएगा, यानी 10 बार में क्या हो गया दोस्तों, ये कट गया। अब क्या कर देंगे दोस्तों, 496 का 1 में गुणा करेंगे तो 496 होगा, 4,096 हो जाएगा, 4,096 हो गया। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1010 यहाँ लगा देंगे, इसका थोड़ा मिस्टेक बोल दिए दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा, क्या है हम लोगों का 4,096 का गुणा 1 में करेंगे तो 4,096 होगा और 1010 लास्ट में लगा देंगे, 40,960 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 11B का 4th सवाल, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्या है हम लोगों का, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन हो रहा है दोस्तों, तो दर का मान कितना दिया हम लोग का, 12%, और दोस्तों यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है, 29,040 रुपया है वर्तमान मूल्य, तो हम लोग का ये मालूम नहीं है कि दोस्तों ये कौन ए है कि पी है, तो पढ़ेंगे आगे। एन का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 2 वर्ष पूर्व का रहा है दोस्तों, यानी पूर्व माने प्रारंभिक, इस 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था, प्रारंभिक मान पूछ रहा है दोस्तों, यानी पी का मान पूछ रहा है। ए का मान दिया है दोस्तों, ए का मान कितना है हम लोगों का, 29,040। अब क्या करेंगे दोस्तों, अवमूल्यन का क्या होता है हम लोगों का सूत्र, देखिए दोस्तों अवमूल्यन का क्या होता है सूत्र, हम लोग का अवमूल्यन जब होता है तो यहाँ माइनस सिर्फ लग जाता है और फार्मूला वही रहता है, तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, फार्मूला अवमूल्यन का क्या होता है, माइनस में होता है हम लोगों का, ए बराबर क्या होता है दोस्तों, P(1 - R)/100 कितना दोस्तों, n। ए का मान कितना दिया है दोस्तों, ए का मान कितना दिया है, 29,040, और दोस्तों पी का मान कितना दिया है तो ज्ञात करना है, 1 - R का मान कितना है दोस्तों, R का मान कितना हम लोग का, 12 है, 12/100, और n का मान कितना है दोस्तों हम लोगों का, 2 है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 29,000 कितना है दोस्तों हम लोग का, 40, ये कितना दोस्तों पी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों हम लोग का, 88, और बट्टे में कितना दोस्तों हम लोग का, 100 पे पावर कितना दोस्तों हम लोगों का, 2। अब क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, इसे 2 बार है तो 2 बार गुणा कर देंगे, 29,000 कितना दोस्तों हम लोग का, 40, इसका 2 बार गुणा कर देंगे, बीच में कुछ भी का चिन्ह नहीं रहता है तो दोस्तों गुणा कराता है, 88/100 गुणते कितना दोस्तों, 88/100 क्या हो जाएगा दोस्तों, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है, 29,040 और दोस्तों 100 गुणते 100 नीचे वाला दूसरी तरफ जाता है तो क्या होता है दोस्तों, गुणा हो जाता है, और गुणा रहता है तो नीचे क्या होता है दूसरी तरफ जाता है तो भाग हो जाता है, 88 गुणते कितना दोस्तों, 88। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का, केवल पी बचेगा, पी का मान ज्ञात करना है। अब इसे क्या कर देंगे दोस्तों, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आएगा हम लोगों का आंसर, इसे सब कटा पिटा देंगे तो हम लोग कटा पिटा लेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा P = 37,500, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। भाई ये मैं डायरेक्ट कटा कर लिख दिया हूँ दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा, धीरे धीरे कटाइएगा, यानी 2 से उसके बाद 5 से उसके बाद कितना से दोस्तों कटा लेंगे तो अंत में कितना आंसर आएगा हम लोग का, 37,500। जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है दोस्तों हम लोगों का, कितने समय में दोस्तों हम लोगों का समय का मान पूछ रहा है, कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर का कीमत 1,00,000 रुपये से घटकर 81,000 रुपये रह जाएगी।
अब देखिए दोस्तों, हम लोगों का प्रारंभिक मान क्या है, हम लोगों का पी का मान कितना है दोस्तों, हम लोग का 1 लाख है। कितना है दोस्तों हम लोगों का पी का मान? 1 लाख है, क्योंकि पहले क्या है दोस्तों, ट्रैक्टर की कीमत कितना है? 1 लाख रुपया है। तो प्रारंभिक मान को हम लोग पी कहते हैं, प्रारंभिक मान का पी कितना है? 1 लाख रुपया। अब उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, घट कर कितना हो जा रहा है हम लोग का? 81,000 रुपये। यानी अंतिम मान कितना है दोस्तों हम लोगों का? अंतिम मान है कितना हम लोगों का? 81,000 रुपये। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अवमूल्यन का दर दिया है, अवमूल्यन का दर कितना दिया है दोस्तों हम लोग का? 10%। फार्मूला क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? फार्मूला होता है ए बराबर पी 1 - R/100। ये क्या होता है दोस्तों हम लोगों का? अवमूल्यन का फार्मूला में केवल माइनस हो जाता है। अब क्या कर देंगे दोस्तों, ए का मान पुट कर देंगे, ए का मान कितना है? 81,000 है। पी का मान कितना है दोस्तों हम लोग का? 1 लाख है। और 1 - R का मान कितना है दोस्तों हम लोग का? R का मान है यहाँ रख देंगे हम लोग 10/100 पे पावर कितना दोस्तों? n। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ भी का चिन्ह नहीं है, तो इसका यहाँ क्या मानेंगे हम लोग? गुणा का चिन्ह मानेंगे। गुणा का चिन्ह है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 81। यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ 100 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरी तरफ आता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। 100 के यहाँ गुणा है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। फिर 81,000 बटे में कितना होगा दोस्तों? 1 लाख। 1 लाख हम लोग का 3 0 से 3 0, फिर ऊपर नीचे कटाते हैं, यहीं पर हम लोग क्या किए हैं? डायरेक्ट कटा दिए हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 1 में 10, और 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों हम लोग का? 9। 9/10 पे पावर कितना दोस्तों हम लोग का? n। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, इस बेस के रूप में हम लोग बनाएंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 9/10 का वर्ग। ये भी क्या हो गया दोस्तों हम लोग, ये तो वैसा ही उतार देंगे। क्या होगा दोस्तों, ये 9 का वर्ग करेंगे तो 81 आ जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आ जाएगा। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग, ये तुलना करेंगे तो n बराबर क्या मिलेगा हम लोग का? n बराबर मिलेगा दोस्तों 2 वर्ष। तुलना करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों हम लोग का? n बराबर 2 वर्ष। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग का 6वां सवाल क्या है, एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटा की दर से बढ़ रहे हैं, दर का मान कितना है दोस्तों? 5%। और क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहे हैं तो हम लोग का प्लस वाला फार्मूला लगेगा हम लोग का। और समय कितना है दोस्तों हम लोग का? समय है देखिए, यदि प्रातः 9 बजे से जीवाणुओं की संख्या इतना 2,25,000 रही, तो 12 बजे मध्यान्ह कितने जीवाणु होंगे? तो प्रातः 9 बजे माने कितना दोस्तों हम लोग का? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कितना समय होगा? 9 से 12 कितना होगा समय हम लोग का दोस्तों? 9 में कितना जोड़ेंगे कि 12 होगा? 3। यानी n का मान कितना हम लोग का दोस्तों? 3 घंटा। यानी n बराबर कितना हम लोग का? 3 हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों हम लोग का, अब देखिए दोस्तों, प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या कितनी है हम लोग का? जीवाणुओं की संख्या कितनी है दोस्तों प्रातः 9 बजे? प्रातः माने दोस्तों प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ का मान क्या होता है दोस्तों हम लोग का? पी होता है। पी का मान कितना है? 25 पे कितना दोस्तों? 0 हम लोग का? 6 0। अब क्या करना है दोस्तों हम लोग का कि, तो 12 बजे मध्यान्ह कितने जीवाणु होंगे? 12 बजे दोपहर में दोस्तों हम लोग का कितने जीवाणु होंगे ये पता करना है। यानी अंतिम मान पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम लोग? निकाल देंगे। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों हम लोग का सिंपली तरीका से, ए बराबर क्या होता है? पी 1 + R/100। जब प्रतिशत की दर बढ़ता है तो दोस्तों हम लोग यहाँ प्लस कर देते हैं, जब प्रति अवमूल्यन होता है तो क्या कर देते हैं? माइनस। और पावर क्या रहता है दोस्तों हम लोग का? समय। ए का तो मान ज्ञात करना है, ये वैसा ही रहेगा दोस्तों। पी का मान रख देंगे कितना हम लोग? 25 और 6 0। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 + R का मान कितना है हम लोग का? 5 है और 100 पे पावर n का मान कितना है दोस्तों हम लोग का? 3 है। क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग? कटा देंगे। a बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? ये 25 और कितना हम लोग का दोस्तों? 6 0। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 × 10, 5 1 = 5, 5 × 10 = 10, 1 0 बचेगा, 0 लिखा जाएगा। 20 1 = 20, 20 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21/20 पे पावर कितना दोस्तों हम लोग का? 3। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसका, ए बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 25 और 6 0 गुड़ते 3 घात का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसका 3 बार गुड़ा, यानी 21/20 गुड़ते 21/20 गुड़ते कितना दोस्तों? 21/20। 3 घात का मतलब होता है 3 गुड़ा, 3 0 से 3 0 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का? कैंसिल हो जाएगा।
और क्या करेंगे दोस्तों, इसको डायरेक्ट हल करके हम लिख दे रहे हैं, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा और गुणा कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों हम लोग का 28,94,0,625। यही हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 बजे तक कितने जीवाणु क्या होंगे, बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। देखते हैं अब हम लोग सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है दोस्तों हम लोग का, एक रंगीन टेलीविज़न का सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। देखिए दोस्तों टेलीविज़न का दाम कितना है, टीवी का दाम कितना है, 15,625 रुपये है। यानी ये क्या है दोस्तों हम लोग का टीवी क्या करेंगे हम लोग, हम जाएंगे अगर हम बाज़ार जाते हैं तो पहले पैसा देंगे तभी टीवी लेंगे, यानी पहले पैसे देंगे वो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्रारंभिक मान हो जाएगा। पी का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 15,625 रुपया। यानी ये क्या है दोस्तों हम लोग का टीवी का मान है। अब क्या है दोस्तों, उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है। आर का मान कितना है दोस्तों, आर का मान है हम लोगों का 8%, और क्या हो रहा है दोस्तों, घट रहा है। यहाँ लिख देंगे घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, घट रहा है माने दोस्तों क्या हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। और समय कितना दिया है दोस्तों, 3 वर्ष। यानी समय का मान कितना दिया हम लोग का, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी, यानी ए का अंतिम मान पूछ रहा है दोस्तों हम लोग का। क्या करेंगे हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 - R/100 कितना होता है दोस्तों, यन। कब ये लगता है दोस्तों माइनस वाला हम लोग का, जब अवमूल्यन होता है चाहे घट रहा होता है तब लगता है। ए का मान वैसा ही रहेगा दोस्तों, पी का मान कितना हम लोगों का 15,625 1 - R का मान कितना है दोस्तों हम लोग का 8 है, और 100 यन। यन का मान कितना है दोस्तों हम लोग का 3। क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए बराबर 15,625 गुड़ते, बीच में किसी भी चिन्ह का नहीं है दोस्तों हम लोग का, तो क्या हो जाएगा यहाँ गुड़ा हो जाएगा। और इसे क्या कर देंगे दोस्तों, कटा देंगे, 4 × 2 = 8 और 4 से कटाएंगे तो दोस्तों 25 होगा। 25 से कम है 25, 25 में से 2 कटेगा कितना होगा दोस्तों हम लोग का, 23/25, और पावर कितना दोस्तों हम लोग का 3। क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ए बराबर 15,625 गुड़ते। अब ये 3 घात माने क्या होता है दोस्तों, 3 आली गुड़ा 23/25 गुड़ते 23/25 गुड़ते 23/25। क्या होगा दोस्तों हम लोग का, ए बराबर 15,625 गुड़ते, ऊपर का गुड़ा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, 12,167, और नीचे का गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना होगा हम लोगों का, 15,625 होगा। नीचे का 25 का 25 में करेंगे गुणा दोस्तों 625 होगा, 625 का 25 में करेंगे कितना होगा हम लोगों का, 15,625 होगा। 15,625 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों ऊपर नीचे है, तो ए बराबर क्या बचेगा हम लोगों का, ए बराबर बचेगा 12,167। यानी टीवी का 3 वर्ष के बाद मूल्य कितना रह जाएगा दोस्तों हम लोग का, 12,167। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये तो हम लोगों का आंसर होगा दोस्तों, लेकिन क्या पूछ रहा है हम लोग का सवाल में, देखिए सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। तो गिरावट आएगी इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3 वर्ष बाद उस टीवी का मूल्य कितना रह जाएगा, इतना रह जाएगा। तो गिरावट निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, गिरावट निकालने के लिए P-1 कर देंगे, यानी प्रारंभिक मान में से अंतिम मान घटा देंगे। प्रारंभिक मान कितना है दोस्तों हम लोगों का, पी का मान कितना है, 15,625 माइनस ये अंतिम मान कितना है दोस्तों, 12,167 घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों हम लोगों का, हम लोगों का बचेगा दोस्तों 3,458। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 3 वर्ष में इतने रुपये की गिरावट होगी टीवी। जय हिंद दोस्तों। आइए पढ़ते हम लोग अभ्यास 11वीं का 8वां सवाल दोस्तों। क्या है हम लोग का 8वां सवाल, किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है। इस समय माने दोस्तों, यानी इस समय माने क्या, प्रारंभिक मान कितना है हम लोगों का, 53 करोड़ है। पी का मान कितना है, 53 करोड़। 53 करोड़ में कितना जीरो रहेगा दोस्तों हम लोग का, 7 जीरो रहेगा, 3, 3, 6, 1, 7 हो गया दोस्तों हम लोग का। अब क्या कह रहा है दोस्तों सवाल में, यदि 5% वार्षिक दर से बढ़े, आर का मान कितना है दोस्तों, 5% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आर का मान हो गया दोस्तों हम लोग का। अब क्या पूछ रहा है हम लोगों का, बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्षों बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। 2 वर्षों बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों हम लोग का, यन बराबर कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कितनी वृद्धि होगी। तो ए का मान पहले निकालेंगे दोस्तों हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, वृद्धि निकालेंगे, कितनी वृद्धि हो रही है ये भी निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग,
सेम सातवां सवाल जैसा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाकर देख लीजिएगा या हम बता दे रहे हैं। ए बराबर क्या होता है दोस्तों हम लोग का, पी वन प्लस आर बटा में सौ, पावर कितना दोस्तों यन, ये कब लगता है दोस्तों प्लस, जब बढ़ रहा है, दर क्या होता है जब हम लोगों का बढ़ता है तब ये प्लस लगता है, जब अवमूल्यन होता है चाहे घट रहा होता है तो ये क्या लगता है दोस्तों हम लोग का माइनस। तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का मान 53,03,306,017। वन प्लस आर का मान कितना है दोस्तों, पाँच, और बटे में सौ पे पावर कितना दोस्तों, यन का मान दो। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ए बराबर 53,00,000, और ये कटा देंगे तो कितना होगा दोस्तों हम लोग का, पाँच एक में पाँच और बीस पाँच कितना होता है सौ होता है, बीस एक में बीस एक कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 21, और बटे में क्या होता है दोस्तों नीचे का वैसा ही लिखा जाता है, और पावर इसका कितना है 2। दो पावर माने क्या होता है दोस्तों हम लोग का, दो वाली गुड़ा 53,00,000 और गुड़ते कितना दोस्तों 21/20, गुड़ते 21/20। अब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर 20 से 20 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कैंसिल, और दो दुना के चार चार से भाग दे देंगे, और कुल ये पूरा हल करने के बाद कितना आएगा दोस्तों हम लोग का, 58,43,25,000, यानी 58,43,25,000 आएगा दोस्तों हम लोग का। ये क्या हो गया दोस्तों हम लोग का अंतिम मान आ गया, यानी दो वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों हम लोग का, दो वर्ष के बाद 58,00,000 हो जाएगी, और प्रारंभ में कितना था दोस्तों हम लोग का, 53,00,000 था। अब क्या वृद्धि निकालेंगे दोस्तों कि दो वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ए माइनस पी कर देते हैं, यानी ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। ए का मान कितना है दोस्तों, 58,43,25,000 हम लोगों का, इसमें से क्या करेंगे दोस्तों 53,00,000 घटा देंगे, 70 घटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों हम लोगों का, 54,32,05,000 आएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 11वीं का लास्ट का सवाल, यानी 9वां सवाल। सवाल क्या है दोस्तों हम लोग का, किस वार्षिक दर से, यानी किस वार्षिक दर से, यानी दर का मान क्या दिया है दोस्तों हम लोग का, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब क्या कर रहा है दोस्तों, अवमूल्यन हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों इसमें, अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, सूत्र माइनस में हो जाता है बस, और सेम सेम वैसा ही रहता है सब। अब क्या है दोस्तों, कंपनी की वर्तमान पूंजी कितना है, अब देखिए दोस्तों कंपनी की वर्तमान पूंजी क्या है हम लोगों का, वर्तमान पूंजी को पी से करेंगे दोस्तों, यानी ये प्रारंभिक मान है, और दो वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों हम लोग का, अंतिम मान होगा, यानी दो वर्ष बाद जो दिया है वो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, अंतिम मान हो जाएगा। प्रारंभिक मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 625, और क्या दोस्तों 60। इसे थोड़ा दिक्कत हो रही है दोस्तों बोलने में, तो क्या करेंगे हम, वैसे ही बोल दे रहा हूँ मैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। यन का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, दो वर्ष है, और दो वर्ष बाद क्या होगा दोस्तों हम लोग का, अंतिम मान होगा, यानी ए का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 576, और कितना दोस्तों 60। अब देखिए दोस्तों हम लोग का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर फार्मूला होता है दोस्तों 1, पी होता है पहले 1-r/100 पे पावर कितना दोस्तों यन, ये कब कब लगता है दोस्तों माइनस, जब अवमूल्यन होता है चाहे घट रहा होता है तब लगता है। तो ए का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 576, और कितना दोस्तों 60, और पी का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, पी का मान है 625 और 60। 1-r/100 कितना दोस्तों 100, यन का मान कितना दिया है दोस्तों 2, आर का मान तो ज्ञात करना है दोस्तों, क्या करेंगे हम लोग, ये गुणा में है, यहाँ कुछ भी का चिन्ह नहीं है, तो दोस्तों किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 576 पे कितना दोस्तों 60, और नीचे कितना दोस्तों हम लोग का 625 के बाद कितना 0 है, 60 है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1-r/100 पे पावर कितना दोस्तों हम लोग का 2। 60 से 60 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, कट जाएगा, ये कितना बचेगा दोस्तों हम लोग का, 576, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 625, बराबर कितना दोस्तों 1-r/100 पे पावर कितना दोस्तों 2। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, घात के रूप में लिखेंगे कि वर्ग, वर्ग के रूप में लिखेंगे, वर्ग है तो 576 किसका वर्ग होता है दोस्तों हम लोग का, 24 का वर्ग होता है, और 25 की 625 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 25 का।
तो 24 बटा 25 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 24 का वर्ग 576 आ जाएगा और 25 का वर्ग करेंगे, नीचे का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 625 आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, ये वैसे ही उतार देंगे। ये क्यों वर्ग में किए हैं दोस्तों, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यह कब कैंसिल होगा दोस्तों, जब हम तुलना करेंगे तब होगा। अब कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 24 बटा 25 बचेगा बराबर 1 - r/2 कितना दोस्तों, 100। अब देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ से हल कर देंगे तो r का मान हम लोगों का निकल जाएगा, 100 का इसमें गुणा कर दीजिए, 100 एकम में कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, ये तो पहले उतार देंगे, 100 एकम में 100 - r/2 में कितना दोस्तों, 100। ये 25 से कटा देंगे 100 को तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। नीचे का नीचे अगर रहता है तो कट जाता है, कब, जब केवल सिंगल सिंगल रहे तब कटता है दोस्तों। 25 4 का कितना होता है, 100, और 4 का इसमें क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग गुणा, 24 * 4 बराबर 100 - कितना दोस्तों हम लोगों का, r। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का, 24 4 का कितना होता है, 96 होता है बराबर 100 - r। क्या करेंगे दोस्तों, r को इधर करेंगे, 96 को इधर करेंगे, तो r का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, 100 - 96, 100 में से 96 घटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। r का मान कितना है दोस्तों हम लोग का, 4%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का उत्तर हो जाएगा।